तो ये है मेरे पास एक असली नोट। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस नोट की प्रिंटिंग मशीन से कॉपी करके रैंडम दुकानों पर चलाऊं तो? क्या ये नोट सच में चल जाएगा या फिर गालियां खानी पड़ेंगी? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन रुको आगे सब कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हमारा काम है असली नोटों को प्रिंट करना। फाइनली आ चुके हैं हम अपने सेटअप पर और अब देखते हैं निकालते हैं। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि 20, 50 और 500 के नोट की फोटोकॉपी करके उसको ट्राई करने वाला हूं। तो तीन नोट निकाल लिए हमने, 20 का, 500 का और 50 का। देखते हैं इन तीनों में से कौन सा नोट चलेगा। तो तीनों नोटों की फोटोकॉपी निकालने के बाद और अब बारी है इन सभी नोट्स को आपस में चिपकाने की और पूरी तरह से तैयार करने। तो सबसे पहले मैंने इन सभी नोट्स की कटिंग करना स्टार्ट की जिसमें मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। और अब बारी है इन सभी नोट्स के दोनों हिस्सों को आपस में बहुत ही सफाई के साथ फेविक्विक से चिपकाना। लेकिन इससे पहले मैंने इन नोट्स को और ज्यादा रियल दिखाने के लिए इनकी थोड़ी घिसाई कर दी कागज को थोड़ा पतला करने के लिए। और उसके बाद मैंने इन नोट्स के हिस्सों को आपस में चिपकाना स्टार्ट किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है, तो प्लीज इसको सीरियस लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस फाइनली ये तीनों नोट जो है रेडी हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं क्योंकि अभी इस पर फेविक्विक लगाया है, तो पहले इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो फाइनली अब बिल्कुल तैयार है हमारी कलाकारी से बनाए गए ये नकली नोट। तो चलिए अब इन्हें अपने एरिया से बाहर किसी शॉप्स पर ट्राई करते हैं क्योंकि पिटने का भी खतरा है। तो गाइस फाइनली हम अपने गाँव से आउट एरिया में आ चुके हैं और अब हम इन नकली नोट को रैंडम शॉप्स पे जाकर के ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारी पिटाई होती है या फिर ये नोट चल जाते हैं। सब कुछ वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में एंड तक देखो। तो सबसे पहले मुझे 20 का नोट चलाने के लिए एक नॉर्मल शॉप दिखाई दी, शायद यहाँ पिटने का खतरा थोड़ा कम है। अंकल नमकीन दे दीजिए, 5 रुपए की कौन सी पैसे की दे दो। मोबाइल चला रही हो क्या? रीलें बहुत देख रही हो तुम भी। तो गाइस पिछली वाली दुकान पे तो अंकल ने बहुत बहुत बुरी सुना दी, अब हमें एक और शॉप दिखाई दी है वहाँ पे पकौड़ी की, उस पर ट्राई करते हैं, देखते हैं धुलाई लगती है हमारी ये गालियां मिलती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पकौड़ी है क्या साहब? देखिए जरा कितने गरम कर दो, ठंडी तो गरम, कौन सी ठंडे आप ठंडी दे दो। कितने? 10 रुपए की दे दो। अंकल रुको यार, मुझे तुम्हें 20 का नोट दिया ना मैंने, वो नकली है, देख रहा था मतलब चेक करोगे नहीं करोगे। अरे मैंने ऐसे दे दिया और तुमने ले लिया, मैं ऐसे दे दिया। उम्र सारी नहीं मिल जाएगा, देखियो आप अलग ही है वो, कहाँ का है ये, अलग ही है नकली है, देख के ही पता चल जाएगा इसका क्या नकली है। ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, हाथ से छू लो इसका। तो लाओ दे दो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस बहुत बड़ा सीन हो गया, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, जैसे ही मैंने अंकल से 10 रुपए की पकौड़ी ली और 20 रुपए का नकली नोट दिया, तो अंकल ने बगैर चेक करे चेक तो किया था, लेकिन अंकल को बिल्कुल असली लगा वो, और अंकल मुझे 10 रुपए फेर के भी दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया मेरे की वो नोट नकली है। गाइस बहुत टाइम हो गया 20 का नोट चलाते चलाते, अब हम 50 का नोट नकली चलाएंगे। हमें एक पीछे जो है ककड़ी वाले अंकल खड़े हैं, उन पे ट्राई करके देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। कैसे दिया भाई ककड़ी? बहुत बढ़िया है यार ककड़ी तो यार। ओह नो। अंकल एक बात बताऊं आपको, मुझे 50 का नोट दिया ना मैंने, वो नकली है यार। मैंने ऐसे देखने के लिए कर रहा था, मैं आप बुरा मत मानना ठीक है, और मैंने मैं लेता क्यों आपसे वापस, इन्हें लो मैं तुम्हें दूसरा दे दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
यार अंकल ने इमोशनल कर दिया, मैंने उनको 50 का नोट दिया और अंकल ने ऐसे ही रख लिया। उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं पड़ी कि वो नोट नकली है या फिर असली है। लेकिन फिर मैंने ही कह दिया कि यार कि वो नोट नकली था और मैंने उन्हें रियल पैसे दे दिए जो असली थे, वरना अंकल ने तो ऐसे ही रख लिया था। तो बहुत बुरा लग रहा गाइस, हम कितना बुरा बुरा काम कर रहे हैं यार। और उसके बाद मैं गया इस 50 के नोट को लेकर एक जूस वाले अंकल के पास। अरे मुझे लगा दो पहले 10 वाला। मैंने 20 कर दिया यार। लो भाई जल्दी हमारे पैसे काटो, हमारे पैसे काटो लो। देखिए यार जरा, यार ये धुलो हुए क्यों ना चलते। तो गाइस देख पा रहे हो मेरी कलाकारी, अंकल से मैंने जूस लिया और पीने के बाद जैसे ही 50 का नोट दिया तो अंकल बिल्कुल पहचान नहीं पाए कि नकली है या फिर असली है। हाँ उन्होंने ये कह दिया कि धुलो हुआ नोट है, यानी उन्हें लगा कि ये नोट धुलो हुआ है इसलिए उन्होंने नहीं चलाया। लेकिन उन्हें पता नहीं चला बिल्कुल कि ये नोट नकली है या फिर असली है। कलाकारी देखो बंदे की। गाइस हमारे 20 और 50 के नोट को तो कोई पहचान नहीं पाया, अब बारी है हमारे 500 के नोट की। 500 का नोट चलाकर देखते हैं और पिटाई बिल्कुल पक्की है, क्योंकि बहुत बड़ा नोट है, अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत ही बुरी पिटाई लगेगी। लेकिन हमें एक अंकल दिखाई दिए पीछे, तो उन पर ट्राई करते हैं, देखते हैं कितनी बुरी पिटाई लगती है। अंकल क्या हाल है, केले कैसे दिए? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कैसे दिए भाई, लगा दो यार, एक दर्जन दे दो यार। अंकल सोच रहे थे कि मेरे 40 रुपए की बिक्री होने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उनका कितना बड़ा पोपट बनाने वाला हूँ। और मुझे अब लग रहा था कि अंकल बहुत बुरी तुड़ाई करने वाले हैं, लेकिन मैंने थोड़ी ओवर एक्टिंग करके अपने आप को बचा लिया। सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। तो गाइस 500 का नोट बस हमने एक ही जगह पर ट्राई किया, क्योंकि अगर किसी दूसरी जगह पर ट्राई करते तो पिटाई होना बिल्कुल पक्का थी। और मैं तो सोचकर ही गया था कि इस वीडियो में मेरी एक आधा जगह तो पिटाई लगनी ही लगनी है, बट थैंक गॉड मैं पिटाई से बच गया। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और लाइक करने मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो इतनी मजेदार है तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, खुद ही कमेंट कर दोगे और शेयर भी खुद ही कर दोगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, बाय। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना।